एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं निगार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। नाउ गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 5 मिनट फेशियल ग्लो चैलेंज। जी हाँ गाइस, इस वक्त चल रहा है मानसून सीजन और इस सीजन में हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है हमारी स्किन की डलनेस, क्योंकि इस वक्त कभी धूप निकलती है, कभी बारिश होती है, कभी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। जब हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा चिपचिपापन और स्वेटिंग होती है तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन जो है डल होने लगती है, हमारा रंग जो है वो बहुत ज़्यादा बुझा बुझा सा हमें नज़र आता है। तो आज मैं आप सभी के लिए जो फेशियल ग्लो चैलेंज लेकर आई हूँ गाइज, ये 5 मिनट का फेशियल ग्लो चैलेंज है मेरा। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से इस मानसून सीजन में जूझ रही हैं तो आज का ये फेशियल ग्रो चैलेंज आप भी एक्सेप्ट कीजिए और प्लीज़ इसको करने के बाद मेरे साथ इसका रिजल्ट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का बेस ही यही है कि किस तरह से हम घर की किचन की चीज़ों से अपनी खूबसूरती को निखार सकते हैं, अपने आप को संवार सकते हैं। तो आज की ये सारी चीज़ें भी आपको आपके किचन में ही मिलने वाली है। तो जल्दी से जाइए अपने किचन में गाइज, ये सारी चीज़ें निकाल कर आइए और आप भी मेरे साथ साथ कीजिए आज का ये 5 मिनट फेशियल। अगर आपको ये फेशियल अच्छा लगे गाइज और इस फेशियल को करने के बाद आपके फेस का ग्लो बढ़ जाए तो प्लीज इसका रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप आज ही मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, आज ही मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर आगे बहुत अच्छी वीडियोज मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपना एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि ये 5 मिनट फेशियल हमें किस तरह से करना है। तो इस ग्लो चैलेंज के लिए गाइस, सबसे पहले जो हमें जरूरत है वो हम अपनी फेस की क्लींजिंग करेंगे, ठीक है। क्लींजिंग के लिए आपको क्या करना है, चिल्ड यानी ठंडा दूध ले लेना है। बाउल में आप कम से कम 2 से लेकर 3 चम्मच यानी 3 टीस्पून हम यहाँ पे चिल्ड मिल्क लेंगे, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो यहाँ पे आप क्या करें कि बॉयल मिल्क ले लें, ठीक है। और इसमें हम 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड कर देंगे गाइस। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉफ़ी से हमें अपनी स्किन की ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा स्किन की जितनी भी डलनेस है, कॉफ़ी हमारी स्किन की डलनेस को भी ख़त्म करती है, चेहरे के ग्लो को बढ़ाती है और एक इंस्टेंट वाइटनिंग रिजल्ट भी हमें देती है, ठीक है। तो 1 टीस्पून हमने इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लिया है। अब एक हमें टोमेटो ले लेना है गाइस। जैसा कि हम जानते हैं कि टोमेटो में होता है लाइकोपेन, जो कि हमारी स्किन को टाइटनिंग वाला इफेक्ट देता है। अगर आपके चेहरे पे महीन झुर्रियाँ और रिंकल्स आने लगी हैं तो उसके लिए भी टोमेटो बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है उन रिंकल्स और झुर्रियों को दूर करने में, ठीक है। तो ये हमने आधा टोमेटो ले लिया है गाइस। अब क्या करना है, हमें कॉफ़ी और दूध का जो मिक्सचर है इसमें हमें इस टोमेटो को डिप करना है और इससे हमें सर्कुलर मोशन में अपने फेस के ऊपर मसाज करनी है। ये मसाज हमारी कम से कम 3 से 4 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मसाज क्या है गाइस, अब मैं इसको फ़ायदे आपको बता दूं, ये एक नेचुरल क्लींजर की तरह हमारी स्किन के ऊपर काम करेगा। इसके अलावा अगर आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स वाली प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी ख़त्म होगी। जिन लोगों को पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है यानी चेहरे पे भूरे पैचेस नज़र आते हैं तो उनकी पिगमेंटेशन भी इस फेशियल से लाइट होगी। और काफ़ी दिनों से अगर आपने फेशियल नहीं कराया है, मार्केट नहीं गए हैं, पार्लर नहीं गए हैं तो ये फेशियल घर पर आप करें, पार्लर लाइक आपको ग्लो मिलेगा, ठीक है। और जहाँ पे भी आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आपको नज़र आ रही है उस जगह पे आप जो टमाटो हमने लिया हुआ है दूध में इसी तरह से डिप करते जाएं, इस कॉफ़ी और दूध के मिक्सचर में आप डिप करते जाएं और फेस को सर्कुलर मोशन में आप मसाज करें। तो ये हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा गाइस, मॉइस्चराइज भी करेगा क्योंकि हमने इसमें दूध का यूज़ किया है और मिल्क भरपूर होता है लैक्टिक एसिड से, जो कि हमारी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करता है, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है। इसके अलावा चेहरे को ये फेशियल वाला ग्लो भी देता है और एक वाइटनिंग रिजल्ट हमें मिलता है दूध के इस्तेमाल से, ठीक। तो गाइस ये 2 से 3 मिनट तक का हम इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये देखें आप, जो टोमेटो था बिल्कुल जो है ना इसका जो गूदा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, स्किन के ऊपर ही मैंने सारा एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसके बाद अपना फेस पैक। एक खाली बाउल आप ले लें और उसमें हम ऐड करेंगे लगभग 2 टीस्पून बेसन यानी ग्राम फ्लोर, ठीक है। 2 चम्मच हमें बेसन ले लेना है। बेसन हर किचन में मौजूद होता है, अगर आपके पास बेसन नहीं है तो इसकी जगह आप गेहूं का आटा ले लें या फिर आप ओट्स ले सकती हैं, ठीक है। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप ले सकती हो। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे गाइस कि इसमें हमें ऐड करना है एलोवेरा जेल, ठीक है, जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। एलोवेरा जेल जो हमारी स्किन को ताजगी भी देता है, स्किन हमारी इससे चिकनी और चमकदार भी बनती है।
ठीक है, तो 1 टीस्पून हमने इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हम इसमें एक जो विटामिन ई का कैप्सूल है तोड़कर इसमें डाल देंगे गाइस, क्योंकि इससे ना हमारी स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो दिखने लगता है, एक बहुत ही प्यारी सी शाइन हमारे स्किन के ऊपर आती है। तो यहाँ पे हमने एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लिया है गाइस। इसके बाद आपके पास अगर कर्ड है यानी दही है तो आप इसमें दही 1 चम्मच डाल लें। दही भी लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है और चेहरे पे अगर दाग धब्बे हैं तो ये दाग धब्बों को भी खत्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच दही ऐड कर लिया है गाइस। अब थोड़ा सा लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे, लगभग फ्यू ड्रॉप्स। अगर आपको लेमन से एलर्जी है तो आप इसको स्किप कर दें, वरना अगर आप लेमन इसमें डालती हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देता है, एक वाइटनिंग इफेक्ट भी पड़ता है स्किन के ऊपर। और इसके अलावा ये चेहरे के जो दाग धब्बे होते हैं उनको लाइटन करता है और चेहरे की ब्राइटनेस को बढ़ाता है। ठीक है, एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है लेमन। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा लेमन जूस इसमें ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस। और जो हमने अपना क्लींजर किया है, हमें अपने फेस को क्लीन नहीं करना है, इसी के ऊपर ये पैक हम लगाएंगे। पैक आपको किस तरह से लगाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में। कुछ बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा इसमें, जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये फेस पैक आप लगाएं, गर्दन के ऊपर भी आप लगा लें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फेस का कलर अलग होता है, गर्दन का कलर अलग होता है। तो उसके लिए क्या करें आप कि गर्दन के ऊपर भी इसे अप्लाई कर लें। ठीक है, और ये मैंने देखिए इस तरह से पैक लगा लिया है। अब इसको हम कम से कम 20 से लेके 25 मिनट तक इसी तरह से लगाकर छोड़ देंगे गाइस। 20 से 25 मिनट हो गए हमारे और देखें ये कुछ इस तरह से ड्राई हो गया है। अभी हमें इसको इसी तरह से नहीं निकालना है गाइस, क्योंकि हम अब अपना मसाज करने वाले हैं 2 मिनट का। इसके लिए क्या करना है, आप या तो ठंडा पानी ले लें या इसके अलावा आप मिल्क का भी यूज़ कर सकती हैं, कच्चा दूध ले लें। इससे आप अपने फेस को पहले थोड़ा सा गीला करें। जब आप अच्छे से ये देखें कि जो चीज़ें हमने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करी हैं ये हल्की सी गीली हो गई हैं, फूल गई हैं, तो सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है। कैसे मसाज करना है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ना ये फेशियल वाले स्टेप में ले रही हूँ, यही वाला मसाज बिल्कुल आपको अपने फेस के ऊपर करना है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, चेहरे पे एक ताजगी भी आ जाती है, इसके अलावा स्किन पे एक नेचुरल ग्लो दिखता है। ठीक है, तो यहाँ हमने कोई मसाज नहीं किया है, बट हम फेस पैक के बाद मसाज ज़रूर करेंगे 2 मिनट तक का, ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है स्किन का वो इम्प्रूव हो जाए, चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो दिखने लगे। तो गाइस ये हमारा 2 मिनट का मसाज हो गया है और अब हम अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश करेंगे, क्योंकि इस वक्त समर है और समर में हमेशा अगर हम फेशियल के बाद ठंडे पानी का यूज़ करते हैं तो हमारे ओपन हुए जो पोर्स हैं वो भी श्रिंक हो जाते हैं और स्किन हमारी टाइट होती है। तो यहाँ पे मैंने गाइस ठंडे पानी से अपने फेस को क्लीन कर लिया है और इस 5 मिनट फेशियल ग्लो चैलेंज का रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकती हैं गाइस मेरा चेहरा कितना ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, पहले से कहीं ज़्यादा मेरा चेहरा जो है वो ग्लो कर रहा है। भर भर कर इस फेशियल ग्लो चैलेंज का रिजल्ट आपके स्किन के ऊपर आने वाला है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी स्किन की डलनेस से तो यही वाला रिजल्ट आपको भी अपने फेस के ऊपर दिखाई देगा। कोई मेकअप नहीं है मेरे चेहरे पर, बट आप रिजल्ट इसका देख सकती हो, मेरे चेहरे पर कितना प्यारा आया हुआ है। तो फेशियल करने के बाद गाइज आप अगर कोई अच्छी सी एंटी एजिंग क्रीम लगाना चाहती हैं वो लगा सकती हैं, या फिर आप मॉइस्चराइज़र लगाना चाहती हैं तो उसे भी आप अप्लाई कर सकती हैं। मैं यहाँ पे अपनी बोटॉक्स क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जिसका जो वीडियो था मैंने आपके साथ एक दिन पहले शेयर किया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, इस वीडियो को आप देखें और ये बोटॉक्स क्रीम बनाकर ज़रूर रखें, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं गाइज इसके। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी ये क्रीम लेकर अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर ली है, सर्कुलर मोशन में मसाज करके मैं इसे अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करूँगी और उसके बाद इसे ओवरनाइट यूं ही कि लगा के छोड़ दूंगी गाइस, क्योंकि ये फेशियल मैंने नाइट में किया है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नाइट में अपनी स्किन को स्पेशल कोई ट्रीटमेंट देना। तो मैंने ये फेशियल कर लिया है गाइस और रिजल्ट्स आपके सामने है, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा मेरी स्किन ग्लो कर रही है, शाइन कर रही है, और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा स्किन मेरी टाइट भी मुझे फील हो रही है। तो ये फेशियल आप भी ज़रूर कीजिए और इस 5 मिनट ग्लो फेशियल को करने के बाद गाइज इसका रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।